मत सताओ, मत सताओ ये दुनिया वालों, ये भी इंसान है तुम्हारे जैसे, इनके दिल में भी है अरमान कुछ, कहीं टूट न जाए इसी से जैसे। मैं धर्मेंद्र हिंद, स्टेट गुरु हेड, LI24 न्यूज चैनल के स्टूडियो से आज एक ऐसे मुद्दे पे अपने बयान को दर्ज कराने जा रहा हूं जिसकी वर्तमान समय में इतनी प्रासंगिकता है जितनी किसी और मुद्दे को लेकर नहीं। वह मुद्दा है कौन? वह मुद्दा है मंदिर। आज मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे मैं 3 से 4 मिनट इस अपने स्टूडियो से एक देशवासियों को से कुछ पूछना चाहूंगा और कुछ कहना चाहूंगा। बड़ा अजीब लगता है उस भगवान को जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, उसको हम घर दे रहे हैं, जिसने हमें पैदा किया, जिसने क्षितिजल पाप का गगन समीरा सब कुछ दिया, धरती दिया, आकाश दिया, सूर्य दिया, चांद दिया, प्रकृति दिया, सब कुछ दिया, उसको हम घर देंगे? वाह, वारे समाज और वारे देश के हमारे राजनीतिक के लोग, आप लोग भगवान को घर देने वाले कब से हो गए भैया? भगवान को घर नहीं चाहिए, भगवान दाता है, ग्राही नहीं है। लेकिन अगर हमको मंदिर नहीं देंगे, मुसलमानों को मस्जिद नहीं देंगे, ईसाइयों को चर्च नहीं देंगे और सिखों को गुरुद्वारा नहीं देंगे, तो इनकी रोटी कौन सेकेगा? लेकिन रोटी सेकने से समाज और देश का भला नहीं होगा। मैं एक दौर याद कराता हूं, 2014 का लोकसभा का चुनाव, देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी जनसभाओं में पूछते थे, हिंदुओं से पूछते थे तुम्हें गरीबी से लड़ना है कि मुसलमानों से लड़ना है, और मुसलमानों से पूछते थे तुम्हें हिंदुओं से लड़ना है या गरीबी से लड़ना है, 3 बार पूछ के करवाते थे, हिंदू और मुसलमान कहते थे मिलके हमें गरीबी से लड़ना है। आइए इन बहुरूपियों को जो कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे, भगवान को मंदिर और मस्जिद की जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है तो दीन दुखी गरीब असहाय और शोषित लोगों की लड़ाई लड़के आप उनको उस योग्य बनाइए कि ताकि वो 2 जून की रोटी खाके भगवान की आराधना और वंदना कर सके। लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी जनता खाने लगेगी, उसका पेट भर जाएगा, तो फिर इन नेताओं को कौन पूछेगा? मेरे दोस्त, मेरे देशवासियों, मैं LI24 न्यूज चैनल के स्टूडियो से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं को मंदिर चाहिए, मुसलमानों को मस्जिद चाहिए? अगर चाहिए तो मैं खुला चैलेंज करता हूं सारे धर्म गुरुओं से, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर पत्ता किसी पेड़ का नहीं हिल रहा हो, कोई धर्म गुरु हिला के दिखा दे तो मैं मीडिया गिरी करना नहीं, धरती छोड़ दूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है। भगवान को आश्रयदाता, आप आश्रयदाता बन गए हो आप भगवान के लिए। मैं एक भाव का अपील करना चाहता हूं। आज के कुछ समय पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली भाजपा के नेशनल ऑफिस में गेस्ट रूम में बैठा हुआ और गया था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पीए मिस्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा जी से मिलने के लिए। वहां बात हो रही थी जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती है वहां सिर्फ मुसलमान 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 क्यों, वहां तमाम लोगों ने अपना बयान दिया। मैं पहली बार गया था, चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। मैंने पूछा, जब मेरी बात मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा, मैं एक लाइन में आपका जवाब देता हूं, अगर वही पूरा कर दीजिए, कोई मुस्लिम कभी पड़ोसी को भी झगड़ा नहीं करेगा, आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ने की बात करिए। मैंने एक लाइन सुनाई थी, तन की हविस मन को गुनागार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को नसीहत देने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अरे जिस दिन मुसलमानों के पेट की छुरा की तृप्ति, जो अंगारे हैं, जो ललक है, वो भर दीजिए, मजाल क्या है कोई मुसलमान पड़ोसी झगड़ा कर ले, देश की गद्दारी की तो बात छोड़ दीजिए। मैं अंत में देशवासियों से भाव का अपील करना चाहता हूं, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे गुरुद्वारा नहीं चाहिए, मुझे चर्च नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए, अच्छी सफाई चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए। दम है तो नेताओं यही देके दिखाओ, अब भगवान को आश्रय की जरूरत नहीं है। अंत में मैं एक शेर के साथ मेरा खुद का लिखा हुआ है, जो मैंने अभी पिछले साल 3 मार्च 2017 को UPSC की एग्जाम तैयारी करने वाले मुखर्जी नगर दिल्ली में दिया था, हाउ कैन वी टॉप द UPSC एग्जाम, उसी लाइन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। संकल्प को विश्वास के सहारे पूरा करने की आदत है मेरी,
संकल्प को विश्वास के सहारे पूरा करने की आदत है मेरी, अरे वक्त तू कितनों करवट बदल ले, कल का दिन मेरा ही होगा, यही आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी, जय हिंद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।